गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मौसम भी काफ़ी बढ़िया है। कल बारिश का मौसम तो था लेकिन बारिश हुआ नहीं, लेकिन आज हवाएं बहुत ठंडी ठंडी चल रही हैं सुबह से, और धूप हल्का फुल्का निकला है तो धूप निकल सकता है और अच्छा धूप निकलेगा, बस हवाएं थोड़ी ज़्यादा चल रही हैं। ये हवाएं कुछ दिन पहले जब चलती थी ठंड के टाइम पे, उसकी याद दिला रही है। चलो मैं भी रेडी हो जाता हूँ और मुझे भी निकलना है, तो फटाफट तैयार हो जाएंगे, उसके बाद मिलता हूँ। तब तक फ़ोन चार्ज कर लूँ, बैग शाम में ही आना है फिर। हाँ, वहाँ के तो रेडी हो गए, अब जाऊँगा नी वाले घर पे देखने क्या काम हुआ है, क्योंकि आज काम लगेगा नहीं तो वहाँ थोड़ा काम है, तो वो करके फिर मैं तुरंत निकलूँगा बाहर। 1 घंटा में मुझे वापस आना भी होगा, 1 घंटा से कम में, क्योंकि 1 घंटा में तो निकलना ही है मुझे। तो चलो मिलते हैं फिर, घर पर दिखाता हूँ क्या काम हो चुका है। हो रहा था प्लास्टर का काम, लगभग 1 फ्लोर पूरा क्लियर हो चुका है। दोस्तों आज हम आए हैं बिहटा, ये बिहटा रेलवे स्टेशन मेरे पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं शायद एक और प्लेटफॉर्म बन रहा है उसके लिए ये पुल बन रहा है। तो यहाँ पे हम आए हैं कुछ काम से, तो वो काम कर ले फिर वापस जाएंगे हम लोग घर। चलो चलते हैं, जल्दी से काम करके जल्दी से वापस रिटर्न भी होना है हमें। यह बिहटा मार्केट के पास, बस मैं भी पहुँचने वाला हूँ, काम करके मैं भी निकलूँगा फटाफट। अब मेरा काम हो गया ख़त्म, काम को किया हमने तमाम, अब लौटेंगे हम लोग घर के सही। दोपहर हो भी गया है, 2 बजने वाले हैं, तो चलते हैं घर, देखते हैं फिर कितने बजे पहुंचते हैं हम। हमारे भी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हो गया, तो लगभग 1:50 हो रहा है, तो हार्डली 2:30 बजे तक मैं भी हूँगा अपने घर। उसके बाद घर पे थोड़ा काम वगैरह भी है तो वो भी कर लूँगा, अच्छा पहले पहुँच जाऊँ। तो मैं घर के पास तो आ गया, और एक बात ये बताऊँगा कि आज का ट्रैवल इंडियन रेलवे में मैंने किया था विदाउट टिकट। हाँ, अगर टीटी पकड़ता तो मुझे 500-600 की फ़ाइन ज़रूर हो जाती, लेकिन भाग अच्छा ना पूछा ना पकड़ा, और पैसे बचे, पैसे 50-100, तो ऐसा काम ना करें, 50-100 बचाने के चक्कर में आप चाहो तो 500-600 भी नुकसान हो सकता है। तो एक काम यही करना, विदाउट टिकट ट्रैवलिंग नहीं करना, ये तो बस कंटेंट के लिए था। बाकी विदाउट टिकट कैसे ट्रैवल करते हैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। कहाँ जा रहा है? मजदूरी करके? कहाँ गया था मजदूरी करने? मैं तो स्कूल, अब फिर से जा रहा हूँ मेरे वाले घर से, और वो करके कुछ लोगों को कुछ दिखाना भी है आगे का काम के लिए, तो वो करके जल्दी से आऊँगा। तो चलते
गैस मौसम जाते जाते अपना असर दिखा के ही जा रहा है। लगभग सुबह से एक बार तो नहाया, दो बार भीग चुका हूँ, जिसके वजह से जुखाम जैसा लग रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है जुखाम हो भी जाएगा। मैंने भी गलती तो की है, लेकिन भीगा तो काम से हूँ, लेकिन रात में फैन चला के सोना शायद लगता है मेरी बड़ी गलती साबित होने वाली है और जुखाम होने वाला है, इसके वजह से मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। देखते हैं अब आगे क्या होता है। दोस्तों अब तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी तो सर में सरसों का तेल लगा के चम्पू बन चुका हूँ, उससे तबीयत थोड़ा कम ख़राब हो या हो ही ना, ये भी हो सकता है, ये एक रेमेडी है। अगर नहीं होती तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो वो भी पता चल जाएगी, लेकिन अंदर से तो ज़रा सा भी अच्छा फील नहीं हो रहा, हो सकता है फीवर भी लग जाए मुझे रात रात तक, तो सही है। वैसे एक बात बताना चाहूँगा ना, आज गया था मैं बाहर बीटा, तो एक ऐसे शख्स से मिला जो 10 साल से एक शॉप को दे रहे थे अपने, वो शॉप के ओनर थे, लेकिन फिर भी वो उनका ये स्टेटमेंट था कि कुछ वैसा खास नहीं चल रहा है, स्ट्रगल है और मार्केट कम हो चुका है, चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। तो एक चीज़ से सीखना हमें ज़रूरी है ना कि समय के साथ बदलना चाहिए, और आज के समय में आप किसी एक चीज़ पे निर्भर मत रहो, पता नहीं क्या हो। इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इसलिए लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी होता है, अगर आपके बाद कुछ हो जाए तो आपके फैमिली में किसी को जॉब मिल जाता है, हो सकता है ये एक हो सकता है नहीं, यही एक इकलौता वजह भी है कि लोग गवर्नमेंट जॉब के साइड जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी एक लिमिट है और हर साल हर मिनट लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, लाखों ग्रेजुएट हो रहे हैं, लाखों हर साल लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और 10-12 पास कर रहे हैं, तो सीट लिमिट है, तो एक बात ये भी समझो कि इसलिए भी बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो आप दूसरे जगह जाओगे, दूसरे काम करोगे, तो इन सब चीज़ों से भी फेस करना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखो, जो भी करो बढ़िया करो, लेकिन बैकअप जरूर रखना। और अब वो पहले कहा जाता था कि दो नाव पे पैर रखने से डूब जाते हैं इंसान, लेकिन अगर आप अपने कैरियर में बैकअप नहीं रखोगे, दो नाव पे पैर नहीं रखोगे तो बिल्कुल डूबोगे, क्योंकि एक कार के भी चार पहिए के अलावा एक बैकअप होता है ना स्टेपनी, तो वैसे भी लाइफ में भी बैकअप लेके चलो, और होप सो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया जाए, आप जो सपने देखते हो वो सारे पूरे हो, मेरी यही कामना है। और मिलते हैं फिर कल अगले ब्लॉग में, और देखते हैं कल तबीयत कैसा रहता है।